अभी तक एक तो कौआ बैठा था, तीन चार कौए बैठे थे, अभी जैसे ही कैमरा चालू किया वैसे ही भाग गए। इटाची उछिया कहाँ गए? तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग आए अपने पुराने वाले घर में, अब मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। ये देखो गाइस 10 GB धूल। तो ये है बाबा का घर, पैतृक निवास। पैतृक निवास भाई अभी तक जिंदा है, 100-200 साल पुरानी तो हो गई है। अभी हमें इसे साफ भी कराना है, बहुत ज्यादा ही गंदा हो रहा है। यहाँ पे घड़ी भी है बहुत। सबसे पहले ये है घर, ठीक है। अब अंदर चलेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कमरा है, रूम टाइप का थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे बैठने को यहाँ पे 10 GB झूल है, 10 GB की रैम के साथ। ओ भाई बोला था ना, किसी भूतिया जगह से कम नहीं है ये। है पत्तियां हैं, पत्तियां मनी प्लांट लग रहा है ये तो। हाँ। नहीं उगी हुई है, उगी हुई है, यहाँ से उगी है। और ये ऊपर का मंजिल है, फ्लोर में और कमरे हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ऊपर फ्लोर के कमरे हैं। और यहाँ पे कटिंग हुई बॉल भी है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी की। आए फिलहाल गए थे यहाँ अपनी छत पे, भाई थक गया लेकिन मस्त भी आ रहा है। चारों तरफ मोर पंछी, पछू पक्षी, पछू पक्षी सुबह सुबह। मोर यहाँ पे पिछली बार में देख के आया, मैं सुबह सुबह यहाँ बैठ गया, मेरे को मोर की आवाज़ ही बहुत तेज। यहाँ से नीचे और नीचे कौन से कमरे की वो तू बता रहा था, बहुत बढ़िया कैमरा कमरा है, कैमरा नहीं कमरा। ये सही चलेगा? हाँ ये यही तो चाहिए, इस पे आज हमें शूट करना है इस कमरे में। खराब ये तो उसका भी नहीं है कि वो हो रहा है धूल मिट्टी कह रहा हूँ, जाले धुआं धुआं वगैरह नहीं जमा। मेरी तबीयत खराब हो गई है, पिलर्स वगैरह भी सही है, धूल वगैरह है ना, तो धूल में रह के मेरी तबीयत खराब हो गई। भाई देखो वहाँ पे कितनी बतखें हैं, वो टॉर्च दिखा दे, मतलब नीचे सफाई कर रहे हैं ना। हाँ दिखा रहा हूँ, उस साइड में बहुत सारी बतखें हैं। पहले बताते तो ले आते तो और सही। पहले कहाँ से था, आए ही हम अभी हैं बाबा। बंदर नहीं है ना, बंदर नहीं है। 13 से कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद हम सीधा निकल लिए थे चिल्ली गली, लेकिन चिल्ली जाने के रास्ते में बीच में एक पड़ता है मंदिर, और वो मंदिर बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि उससे एक कहानी जुड़ी हुई है। तो अब आगे तो ये मंदिर इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसकी कहानी जुड़ी हुई है बाबा से। तो बहुत साल पहले की बात है, मेरे बाबा की मम्मी यानी कि मेरी परदादी, उन्होंने विंध्यवासिनी माता से यानी कि विंध्यवासिनी माता से एक मन्नत मांगी थी कि अगर बाबा ने जन्म लिया तो वो जाएंगी और दर्शन करेंगी। ये तो एक और वैसा ही सेम मंदिर है इन्हीं माता का, लेकिन एक और मंदिर है जो किसी और जगह पे, हिमाचल या फिर ऐसी कोई जगह है वहाँ पे स्थित है, तो वहाँ पे जाके वो दर्शन करेंगी ज़रूर ज़रूर। तो माता रानी की कृपा से बाबा ने जन्म लिया था, और इन्हीं माता रानी के नाम पे बाबा का नाम पड़ा था विंध्येश्वरी प्रसाद अवस्थी। तो ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैंने बाबा से ही पता चली है, वैसे मेरे को पता नहीं थी, तो बाबा ने बताई तो बाबा को भी क्रेडिट जाता है, बाबा को भी थैंक यू। अब आप आगे वीडियो एंजॉय करो, बाय। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं चिल्ली के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग स्प्राइट पी रहे हैं, सब लोग हम लेके आए हैं इस बार ये तो क्या है? हमने जो इस बार तो भाई हमने जो स्प्राइट पी है ना भाई, इतनी सारी स्प्राइट पी ली जिसकी कोई गिनती नहीं होगी, है ना अम्मा? हाँ पेपर से लिया चल रही है एक और भाई। अम्मा ये नहीं बोलना था, अगले महीने ना इसकी लाइट चेंज करवा दूंगा। सही बात है। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने चिल्ली वाले गांव में,
अभी हम लोग बैठे घर में, मस्त सामने चल रहा है कूलर, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं कूलर की। सब लोग गए हैं सामने वाले घर में, कोई फंक्शन हो रहा है। तो गाइस अभी मैं उठ चुका हूँ, एग्जैक्ट 5 बज रहे हैं और लाइट भी नहीं आ रही, इसलिए मैं उठ गया हूँ। और अभी देखो ऐसा मौसम हो रहा है, पीछे चांद नहीं, ये। और अभी तो ऐसा मौसम हो रहा है, कुछ हर तरफ से मोरों की और बत्तखों की आवाज़ आ रही है। ये गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। आप लोग सोच रहे होंगे 5:30 बजे इतना रोशनी कैसे हो रही है, लेकिन यहाँ पे हो जाती है, मथुरा में नहीं होती इतनी जल्दी, लेकिन यहाँ पे हो जाती है। अभी 5:30 बज रहे हैं, मैं छत पे बैठा हुआ हूँ कि मेरे को फ़ोन चलाना है और नेट कहीं नहीं पकड़ रहा है। गाँव में आया हूँ तो चलेगा भी कैसे यार, यहाँ पर टावर ही नहीं है बिल्कुल, कोने कोने में जाना पड़ रहा है, बस देखना पड़ रहा है कहाँ चलेगा ये। भाई साहब देखो राउंड लगा रहे हैं पूरे छत के, कहीं ना कहीं तो पकड़ेगा ये। अभी तो बस यही हाल है, देखते हैं कब पकड़ेगा नेट। और वैसे आज बेबी का बर्थडे भी है, तो बर्थडे विश भी करना है उसे, भैया ने फ़ोन करके कर दिया है ऑलरेडी, मेरे को भी करना है, जल्दी से करते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। यहाँ से कितना मस्त व्यू आ रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, उधर से सन निकल रहा है। बस मैं तो ऐसे ही करके घूमता जा रहा हूँ, उधर से निकल रहा है सन, उस तरफ और पेड़ पौधे हैं, बना चुका मैं। और यहाँ पे 15 है, पहले बना चुका हूँ, मेरा बनाना ज़रूरी है, तेरा बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं तो बनाऊँगा ही भाई, चाहे तू 100 बार बना चुका हो, मेरे को तो बनाना ही पड़ेगा। गाइस अभी 5:30 बज रहे हो, मैं बस 5:30 ही मतलब 6 बजने वाले हैं, मैं अभी धूप में बस मतलब धूप ले रहा हूँ, आई नहीं उतनी तरीके से, लेकिन पीछे सारा आने वाला है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत घूम ही लूँ, चक्कर वगैरह लगा लूँ, नेट क्या पता चल जाए, चल ही नहीं रहा यहाँ पे यार, ये बड़ी दिक्कत रहती है गाँव में, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी होता है। देखते हैं कितनी देर और घूम सकता हूँ मैं, जितनी देर घूम पाऊँगा ना घूम लूँगा। गाइज आर यू एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, सो प्लीज लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड